संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि बैठक में पीएम ने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। पीएम ने डिजिटल पेमेंट को जीवन शैली बनाने की बात की और कहा कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था अपनाने से देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कोई भी दल देश से बड़ा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के लिए देश से बड़ा दल है। उन्होंने कहा कि चुनाव के डर से इंदिरा गांधी ने नोटबंदी का फैसला नहीं लिया था, लेकिन काले धन पर लगाम लगाने के लिए हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पहले सत्ता पक्ष घोटाले करता था, आज काले धन को लेकर काम कर रहा है, जबकि विपक्ष पहले एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाता था, लेकिन अब सिर्फ हंगामा करता है। साथ ही साथ पीएम ने अपने सांसदों को मंत्र दिया कि वो जनता के बीच जाएं और सरकार का संदेश उन तक पहुंचाएं। तो ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने कैशलेस इकोनॉमी पर खुलकर चर्चा की और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। देखते रहिए डीबी लाइव।